हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो है फ्रंट या वाताग्र। तो इसके बारे में हम लोग अभी कंटिन्यू आगे के 3-4 लेक्चर में पढ़ना जारी रखेंगे। देखिए, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं ज्योग्राफी की एक आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज चलाता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स की जो नॉलेज होती है वो तो सही होती है, बट उनके पास जो प्रेजेंटेशन की स्किल है उसका थोड़ा सा अभाव होता है। तो प्रेजेंटेशन कैसे देना है इसको समझाने के लिए मैंने आंसर राइटिंग कोर्स स्टार्ट किया है। इसकी डेमो क्लासेस वगैरह भी मैंने डाल रखी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही देखिए, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेड कोर्स करना चाहते हैं, ये फ्री कोर्स है, ऐसा ही एक पेड कोर्स है जिसमें मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें समझाता हूँ, जो क्वेश्चन संभावित हैं आगे आने वाले सालों में उनको डिस्कस करता हूँ। तो अगर इस पेड कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके साथ ही देखिए, जो PDF होती है, जैसे अभी जो आप लेक्चर पढ़ेंगे इसका जो PDF है वो भी मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल कराता हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारे PDF भी मिलते रहेंगे। देखिए, वाताग्र जनन कैसे होता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक वाताग्र के बनने के लिए क्या होना चाहिए, कि दो जो अलग अलग वायु राशियाँ, एक गर्म वायु राशि और एक ठंडी वायु राशि, ये पास पास आ जाएं और इनके जो किनारे हैं वो आपस में मिल जाएं या टकराएं, तो इससे क्या होता है, वाताग्र या फ्रंट का निर्माण होता है। तो वार्म और कोल्ड जो एयर मासेस हैं, जब ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं और आपस में टकराते हैं, तो इससे हमारा बनता है वाताग्र। तो प्रचलित पवन के द्वारा विभिन्न घनत्व वाली वायु राशियों को वाताग्र हटा देते हैं, वाताग्र रेखा पर एक दूसरे के निकट लाया जाए और तापमान में विषमता हो। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रचलित पवन क्या होती है, प्रचलित पवन मतलब ट्रेड विंड्स, ये हमारी प्रचलित पवन है, व्यापारिक पवन, वेस्टर्लीज ये हमारी प्रचलित पवन है, इसी तरह से जो पोलर विंड्स होती हैं, ध्रुवीय पवन, वो हमारी प्रचलित पवन है। तो ये जो पृथ्वी के ऊपर प्रचलित पवन हैं, इनके द्वारा जब अलग अलग घनत्व वाली यानी कि डिफरेंट डेंसिटीज वाली जो वायु राशियां हैं या फिर जो एयर मासेस हैं, जब उनको जब वो पास पास आ जाती हैं, तो पहली चीज़ क्या निकल के आ रही है कि जिनका घनत्व जो है या जिनकी जो डेंसिटी है वो अलग अलग हो, ऐसी वायु राशियां जब एक दूसरे के पास आ जाएं, इसके साथ ही इनके तापमान में भी विषमता हो। तो अब हमें दो कंडीशन मिल गई, पहली कंडीशन की दो एयर मास जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, और दूसरी बात इनकी डेंसिटी या घनत्व अलग अलग है। जब ये दो ऐसे एयर मास एक दूसरे के पास में आ जाएंगे तो ऐसी वायु राशियों के मिलने से वाताग्र जनन हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही मान लीजिए दोनों वायु राशियों का जो टेम्परेचर है वो समान हो जाता है, या फिर किसी कारण से इनके बीच की जो डेंसिटी है का अंतर है, जो इनके बीच घनत्व का अंतर है वो खत्म हो जाता है, दोनों का घनत्व एक जैसा हो जाता है, या मान लीजिए दोनों का जो तापमान है वो एक समान हो जाता है, ऐसे में क्या होगा, वाताग्र का क्षय हो जाएगा यानी कि वाताग्र नष्ट हो जाएगा। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वाताग्र नष्ट हो जाएगा। तो मैंने लिखा भी है दोनों शर्तें आवश्यक हैं। तो विभिन्न तापमान एवं घनत्व वाली वायु राशियों के अभिसरण से वाताग्र जनन होता है, अभिसरण मतलब मिलना। तो अब भिन्न तापमान और भिन्न घनत्व वाली वायु राशियां जब आपस में मिलती हैं तो वाताग्र जनन होता है। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि समताप रेखाओं का परस्पर निकट आ जाना। देखिए समताप रेखाओं का परस्पर निकट आ जाने का मतलब क्या होगा, ये देखिए एक तापमान वाली रेखा है, ये मान लीजिए नीचे वाली रेखा बताती उन स्थानों को मिला रही है जहां पे तापमान 40 डिग्री होता है, इसके ऊपर वाली रेखा मान लीजिए 30 डिग्री तापमान वाले स्थानों को मिला रही है, इसके ऊपर वाली 20। देखिए जब ये लाइंस बहुत पास पास आ गई, जिन्हें हम लोग समताप रेखा कहते हैं, आइसोथर्म्स कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पे 40 डिग्री की रेखा है और ये इतनी दूर 30 डिग्री की रेखा है, तो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर दूर जाने पे 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बदलता है। अब यही लाइन जब पास आ गई, ये 40 थी, अब मान लीजिए ये 30 वाली केवल आधा किलोमीटर की दूरी पे आ गई, यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पे केवल 30 वाली आ गई, और फिर इससे आधा किलोमीटर की दूरी पे 20 वाली, यानी कि अब टेम्परेचर पहले से ज़्यादा तेजी से बदल रहा है। तो देखिए वाताग्र को बनने के लिए हम लोगों ने क्या देखा है, क्या चाहिए होता है, भिन्न तापमान वाली वायु राशि। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है समताप रेखाओं के पास पास आने से, कि जो भिन्न ताप वाली वायु राशियाँ हैं कहीं ना कहीं वो पास आ गई हैं,
इसीलिए समताप रेखाएं पास पास आ गई हैं। तो जब समताप रेखाएं परस्पर पास पास आ जाएं, तो ये एक संकेत है कि वाताग्र बन सकता है। और दो विभिन्न वायु राशियां जब एक दूसरे से दूर हटे यानी अपसरण हो इनमें, तो इससे क्या होता है, वाताग्र का विघटन हो जाता है या वाताग्र खत्म हो जाता है। समताप रेखाओं में फैलाव, देखिए ठीक इसका उल्टा, जब पास आएंगी तो वाताग्र बनेगा और जब दूर जाएंगी तो वाताग्र नष्ट होगा। सक्रिय आरोहण और निष्क्रिय आरोहण क्या होता है, देखिए दो तरह से वाताग्र हम लोगों ने देखा था, जो शीत वाताग्र है या फिर जो शीत वायु राशि है इसके ढाल के ऊपर जो उष्ण वायु राशि है, या जो वार्म आपका, देखिए जो वार्म फ्रंट है या वार्म एयर मास है, जो देखिए वार्म एयर मास किसके ऊपर लिफ्ट करता है, किसके ऊपर अपलिफ्ट होता है, यानी किसके ऊपर चढ़ जाता है, कूल एयर मास के ऊपर। अब ये जो ऊपर अपलिफ्टमेंट होता है या जो ऊपर ये चढ़ता है कूल एयर मास के ऊपर, जो वार्म एयर मास जाता है, तो ये अपलिफ्टमेंट दो तरीके से होता है, एक सक्रिय दूसरा निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब क्या होता है, देखिए आपसे कोई ना कहे और आप अपने आप पढ़ रहे हैं तो आप एक सक्रिय रूप से पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, आप पे कोई लगातार दबाव डाल रहा है तब आप पढ़ाई करते हैं तो आप निष्क्रिय रूप से पढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं। वैसे ही सक्रिय आरोहण क्या है कि जब वार्म फ्रंट सॉरी जो वार्म एयर मास है, जब वो जो ठंडा वाली वायु राशि है, ठंडी वायु राशि के ढाल पे जब अपने आप चढ़े, यानी कि धीरे धीरे अपने आप ऊपर की तरफ जाए, तो इसे कहते हैं सक्रिय आरोहण। और जब ये जो ठंडा वाला एयर मास है ये इसको धक्का दे के ऊपर चढ़ा, यानी कि अपने आप ये नहीं जा रही है बल्कि जो वार्म एयर मास है, जो गर्म वायु राशि है, उसको धक्का दिया जा रहा है ठंडी वायु राशि के द्वारा, तो इसको कहते हैं निष्क्रिय आरोहण। तो जब सक्रिय आरोहण होगा तो उष्ण वाताग्र उसे कहते हैं, और जहां पे निष्क्रिय आरोहण हो रहा है उसको कहते हैं शीत वाताग्र। अब देखिए ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है उष्ण वाताग्र शीत वाताग्र। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब ये कोई भी तरह का दोनों में से वाताग्र बन जाता है, कोई भी फ्रंट बनता है, तो बादल दिखाई देंगे, तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन आ जाएगा, वायु की दिशा बदल जाएगी, ये सब चीजें होंगी। अब देखिए वाताग्रों के ढाल के ऊपर क्या क्या किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो वाताग्र का ढाल दोनों ओर स्थित वायु राशियों के तापक्रम, वायु राशि के वेग आदि पर निर्भर करता है, यानी कि दो चीजों पे, एक तो वायु राशियों का तापक्रम कितना है, इन दोनों वायु राशियों का एयर मासेस का टेम्परेचर कितना है और इनका वेग कितना है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि वाताग्र का ढाल कितना तेज होगा। तो उच्च अक्षांशों में वाताग्र का ढाल तीव्र होता है, देखिए ज्यादा इसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगा, इसको आप याद रख लीजिए जिससे अगर पूछ दिया जाए तो आप ये पॉइंट्स लिख के आ जाएं। उच्च अक्षांशों में वाताग्रों का ढाल तेज होता है, जब पवनों के वेग में अधिक अंतर होगा तो भी ढाल तेज होगा, जैसे जैसे वायु राशि के तापमान में तापमान के अंतर कम आती है, ये देखिए वाताग्र होगा, वाताग्र ढाल की तीव्रता बढ़ती जाती है, यानी कि जब वायु राशियों के तापमान में अंतर कम होने लगेगा, दोनों वायु राशियों का तापमान लगभग समान होने लगेगा, तो ढाल की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी, और जब देखिए वायु राशियों का तापमान एकदम समान हो जाएगा तो ढाल जो है लंबवत हो जाएगा, इस तरह से दोनों के बीच का ढाल खत्म हो जाएगा, एक तरह से कह लीजिए ढाल खत्म हो जाएगा। वैसे क्या है कि एक बहुत ही शार्प ढाल बना हुआ था, बहुत ही शार्प स्लोप था, और जैसे जैसे तापांतर में कमी आती है ये स्लोप जेंटिल होते होते और आखिरी में वर्टिकल हो जाता है या खत्म हो जाता है, और धरातलीय घर्षण के कारण शीत वाताग्र अपेक्षाकृत अधिक तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो कुछ गलतियां हो गई हैं देखिए पीडीएफ बनाने में, जैसे यहाँ पे शीत होगा तो शीत वाताग्र जो है अधिक ढाल वाले होते हैं। अब विश्व के कुछ प्रमुख वाताग्रों की बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए अटलांटिक ध्रुवीय वाताग्र क्या है, ये ध्रुवीय महाद्वीप और उष्णकटिबंधीय महासागरीय राशियों का अभिसरण है। तो ध्रुवीय महाद्वीपीय जो वायु राशियां होती हैं, यानी कि ठंडी प्लस गर्म कहाँ से मिल रही है, उष्णकटिबंधों से, जो महासागरों से वायु राशियां आ रही हैं, तो जब ये आपस में मिलती हैं तो इससे क्या होता है, वायु राशि बन सॉरी वाताग्र बन जाता है, बनेगा ही बनेगा। जब ध्रुवीय महाद्वीप से जो हवाएं आ रही हैं वो ठंडी हैं, और महासागरों से जो गर्म क्षेत्रों के उष्णकटिबंधों के जो महासागर है वहां से गर्म वायु राशियां आ रही हैं, जब वो आपस में टकराएंगी तो जाहिर सी बात है वाताग्र बनेगा। तो जो पश्चिमी द्वीप समूह है, पुर्तगाल है, उत्तर में विशाल झीलें हैं और आइसलैंड के मध्य में कह लीजिए इससे बारिश होती है, इसी तरह से अटलांटिक और उत्तर पश्चिमी यूरोप में वर्षा होती है इसकी वजह से, और ग्रीष्म ऋतु में देखिए ये नहीं बनता है। ग्रीष्म ऋतु में कम क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो तापांतर है दो वायु राशियां जो हमने देखा, एक ध्रुवीय वाली और एक ये उष्णकटिबंधीय महासागरीय, इनके बीच के ताप का जो अंतर है वो गिर जाता है, कम हो जाता है, तो वाताग्र नहीं बनता है। भूमध्य सागरीय वाताग्र,
यूरोपीय शीतल और उत्तर अफ्रीका तथा भूमध्य सागरीय उष्ण वायु राशि के मिलने से, ये मैं पीडीएफ सही कर दूंगा जब आपको दूंगा, तो यूरोपीय शीतल वायु राशि और उत्तर अफ्रीका तथा भूमध्य सागरीय गर्म वायु राशि। अब देखिए यूरोप की जो ठंडी हवा है, ठंडी वायु राशि या एयर मास है, इससे नॉर्थ अफ्रीका या भूमध्य सागर की जो जब गर्म वायु राशि टकराती है तो इससे जो है भूमध्य सागरीय वातावरण बनता है। और इससे देखिए भारत और पाकिस्तान में क्या होता है, सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, तो इसके बारे में हम लोग इंडियन मानसून में और पढ़ेंगे। प्रशांत महासागरीय आर्कटिक वातावरण, देखिए रॉकी पर्वत और जो विशाल झीलों के बीच में ये शीतकालीन चक्रवात बनता है और इससे जो अमेरिका है उसमें काफी शीतलहर दिखाई देती है। फिर आता है प्रशांत महासागरीय ध्रुवीय वातावरण, तो एशिया महाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों और उत्तर अमेरिका के तट के निकट पाया जाता है। देखिए जाहिर सी बात है प्रशांत महासागर एशिया में भी है, प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ भी है, तो इन दोनों जगहों पे ये प्रशांत महासागरीय ध्रुवीय वातावरण बनता है। अच्छा, ग्रीष्मकाल में जो ज्यादातर वातावरण है वो खत्म हो जाते हैं, सर्दियों में ज्यादा वातावरण दिखाई देते हैं, और जो आर्कटिक प्रदेश है वहां पे स्थायी वातावरणीय कटिबंध पाए जाते हैं ग्रीष्मकाल में भी, यानी पूरी पृथ्वी पे केवल ग्रीष्मकाल में आर्कटिक प्रदेशों में ही स्थायी वातावरणीय कटिबंध दिखते हैं।